आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे हैं श्रृंखला मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत। राजस्थान के लोकगीतों पर आधारित इस श्रृंखला की आइए सुनते हैं 11वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमने 3 लोक कलाकारों को आमंत्रित किया है, बनारसी लाल झोरी, गंगा कलावंत, कोहिनूर लंगा और साथी शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ जो यहाँ आमंत्रित हैं, प्रसिद्ध गायक डॉक्टर प्रकाश संगीत और ख्यात नाम वायलिन वादिका विदुषी डॉक्टर एन राजम। आपके साथ बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। मित्रों नमस्कार, हमारे सभी आमंत्रित कलाकार स्टूडियो में आ चुके हैं और आज की कड़ी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ गंगा कलावंत जी को। बादल बीच चमके जीता
सांझे पड़ा पिब लागे प्यारा आई रे मिजाज करो सिया अरे कहीं रे जवाब करो लेकिन महेंद्र जी, अब आप इस गीत का मतलब समझाएंगे, उससे पहले मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि गंगा जी जो गा रही थी घन बादल बीच चमके बिजरी, मतलब बादलों के बीच, तो घन मतलब बहुत ढेर सारे बादलों के बीच, घन नहीं, ये कह रहा दड़ बादल बीच चमके जी बिजली, अच्छा मतलब बादलों के दल। दरअसल क्या है, राजस्थान में कुछ ल ऐसे हैं जिनका उच्चारण ळ होता है जी। लेकिन हर जगह नहीं होता, कुछ जगह ल है वहाँ ल है और ळ है वहाँ ळ। तो प्यासे मिलने के लिए जो आतुर कामिनी है वो नुहार करते हुए कहते हैं कि आसमान में हल्की हल्की बदलियां छाई है, शाम ढल रही है और उन बदलियों के बीच से कहीं कहीं तारे झांक रहे हैं। ऐसी सुहावनी वेला में ओ मेरे पिया तू क्यों मुझसे इतनी दूर खड़ा है, तो मुझे क्यों सता रहा है दूर खड़ा होकर के। जी, लेकिन इस गीत की जो भावना की मिठास है उससे भी ज्यादा मिठास हमें गंगा जी ने जो गीत सुनाया है उसमें मिली है। तो गंगा जी से मैं गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा ये गीत क्या वो फिर से गुनगुना सकती हैं, और फिर हम बढ़ेंगे इस गीत के शास्त्रीय संगीत के पक्ष की ओर। चमके जी तारा तड़ बादल बीच चमके जी तारा सांझ पड़ा पिवो लागे जी प्यारा कहीं रे मिजाज करो अरे कोई रे जवाब करो रसिया। वाह वाह, बहुत सुंदर। आपको सुनते समय पीलू की एक ठुमरी की याद आ रही है मुझे। वैसे पीलू के बारे में जानकारी तो पिछली कड़ी में प्रकाश जी ने दे ही दी थी। जी जी, तो एक ठुमरी हो जाए थोड़ी देर के लिए। राजम जी, आपसे ठुमरी तो हम अवश्य सुनेंगे, लेकिन भले ही कल आप पीलू के बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं, आज एक बार पुनः पीलू के स्वर अगर हम सुनते हैं, उसके आलाप सुनते हैं तो अच्छा होगा। मैं आलाप कर दूं? हाँ जी जरूर। सा ग म प ग रे सा नी रे सा नि सा रे ग रे सा ग रे सा नि पानी सागर सानी सा
वाह 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 वाह, बहुत ही आनंद आया। विदुषी डॉक्टर एन राजम जी से हमने वायलिन पर ये ठुमरी सुनी और आज जो गीत हमने सुना है राजस्थान का गीत, उसमें हमें राग पीलू मिला है। आज यहीं रुकते हैं, दीजिए आज्ञा, नमस्कार। मरुधरा की संगीत धारा में शास्त्रीय संगीत, राजस्थान के लोक संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी 11वीं कड़ी। आज आप सुन रहे थे गंगा कलावंत का गाया गीत और उस पर चर्चा। शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ हैं गायक डॉक्टर प्रकाश संगीत और वायलिन वादिका विदुषी डॉक्टर एन राजम, तबले पर संगत बालकृष्ण अय्यर की, हारमोनियम पर संगत सुधीर नायक, रिकॉर्डिंग इंजीनियर दिलीप कुलकर्णी, प्रस्तुति सहयोग कमला कुंदर और वसुंधरा अय्यर, इस श्रृंखला के संयोजक महेंद्र मोदी, संकल्पना एवं प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत। गबा दा नि सा नि दा मा गबा दा नि सा नि सा।